गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास जो 11th 12th है उसका जो चैप्टर द लास्ट लेसन, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। द लास्ट लेसन जिसके दो लगभग 4 स्टेंजर्स आपको पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने देर से ज्वाइन किया है या नहीं कर पाए थे उनको आज मैं जो अभी तक पढ़ाया गया है उसकी समरी बता देता हूँ। तो ये जो आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये आपका जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ या अंतिम पाठ जो भी आप कह लें, जिसके लेखक अल्फांसे डाउडेट है, जिसके लेखक अल्फांसे डाउडेट हैं। तो इसमें आपको फ्रांस में युद्ध चल रहा था, जिसमें पर्सिया में फ्रांस के दो हिस्सों, ठीक है, फ्रांस में क्या कर दिया था, फ्रांस के दो हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। कौन कौन से? अलास्के और लॉरेन। अलास्के और लॉरेन जो फ्रांस के दो हिस्से थे या दो जिले कह लें, उन पर पर्सिया ने अपना अधिकार कर लिया था। और अब ये आदेश आ गया था कि उन दोनों स्थानों पर अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि इसके स्थान पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इसके स्थान पर क्या होगा? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो फ्रेंच नाम का एक बालक था, जो मिस्टर एम हैमेल, जिसके शिक्षक का नाम एम हैमेल था, जो उसे फ्रेंच सिखाते थे, तो वो उनके पास पढ़ने के लिए जाता था। उस सुबह थोड़ी देर हो चुकी थी तो फ्रेंच जो था वो काफी डरा हुआ था। फ्रेंच जो काफी डरा हुआ था कि अभी क्लास में जब मैं देर से पहुंचूंगा तो एम हैमेल उससे बहुत से सवाल पूछेंगे। जैसा कि आप लोग भी जब कभी आपको जब आपको क्या होता है, देर हो जाती है, तो आप भी डरे सहमे से स्कूल में थोड़े आते हैं कि क्लास टीचर हमारा क्या कहेगा, या जिसका पीरियड या घंटा होगा वो जो टीचर है वो हमसे क्या सवाल पूछेगा। तो उसी तरीके से फ्रेंच भी डरा हुआ था और वो अपने तेज गति से आगे जा रहा था, ठीक है, जितना वो तेज चल सकता था उस गति से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। और जैसे वो स्कूल में पहुंचा, स्कूल में एक सभागार था जहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा रहता था, जहाँ पर म्यूनिसिपल बोर्ड लगा रहता था सूचना पट, तो वहां पर देखा कि काफी भीड़ लगी थी, वहां पर काफी भीड़ लगी थी। तो उसने सोचा कि चलो इसको बाद में देखते हैं। वहां पर वाक्टर नाम का एक जो लोहार था उसने फ्रेंच से थोड़ा मजाक किया, पूछा इतनी जल्दी क्या है, अभी तो लेक्चर स्टार्ट होने में काफी समय है। तो जो एम एम एल थे वो आप एम एम एल जो थे वो पार्टिसिपल के बारे में बताने वाले थे, और जो फ्रेंच था उसको पार्टिसिपल का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। पार्टिसिपल का क्या था? बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था उसको, पार्टिसिपल का ज्ञान नहीं था। तो इसलिए वो डरा सहमा हुआ चुपचाप क्लास की बेंच पर बैठ गया। तो आगे आप देखते हैं इसके क्या होता है। व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं पंडरिंग माने विचार करना, वंडर मीन्स क्या होता है, विचार करना, कि जब मैं इस पर विचार कर रहा था, इस विषय में विचार ही कर रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एम एम एल क्या हुआ, अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता से एंड जेंटल टोन, और उसी अंदाज से उसी आवाज से विच ही हैज यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए पहले क्या की थी, प्रयोग की थी। जब फ्रेंच पहुंचा था तो वो डरा हुआ था, लेकिन एमएमएल ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कहा कि
फ्रेंड जी तुम बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। उन्होंने उसको डांटा फटकारा नहीं, तो वही चीज कह रहा है कि इन विच ही हैड यूज टू मी, जो मेरे लिए उन्होंने यूज मैंने प्रयोग की थी। सेड उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुके हैं टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलास्का एंड लॉरेन। तो बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अलास्का और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया मास्टर है, जो शिक्षक है, वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच का पाठ है। आई वॉन्ट टू यू वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब बिल्कुल एकाग्र हो, ध्यान पूर्वक सुने। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड वेयर टू मी, व्हाट ए थंडर क्लैप, एक बिजली के आवाज की तरीके से ये वर्ड मेरे कानों में पड़े। ओ द रेच्ड, रेच मीन्स होता अभागा, बुरा। ओ द रेच दैट वाज दे हैड पुट अप इन द टाउन हॉल, अरे इन अभागों ने इसी सूचना को टाउन हॉल में लगाया होगा। माय लास्ट फ्रेंच लेंस, ये मेरा आखिरी फ्रेंच का पाठ है। व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं अभी मुश्किल से कुछ लिखना ही सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे आज और अभी रुकना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर लर्निंग माई लेसन्स, अरे मुझे इस बात की बड़ा सारी दुख महसूस हो रहा है कि आई वाज नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैंने पाठ को नहीं पढ़ा। आर सी किंग बर्ड सेड, क्योंकि मैं चिड़ियों के अंडे ढूंढता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलता था। तो जब पाठ पढ़ाए जाते थे तो मैं मुर्गियों के अंडे और सार पर फिसलता था। हाँ मैं कितना बुरा करता था। ये सब हेमेल, जो फ्रेंज नाम का बालक था, वो सोच रहा था। माई बुक्स, मेरी जो किताबें हैं, माई बुक्स दैट हैड सीम सच ए नॉनसेंस ए व्हाइल अगो, जो मुझे कुछ समय तक बड़े ही बस्तर लग रही थी, खराब लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, जिनको मुझे लाने में बड़ा बोझ लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर की और जो महापुरुषों का जो इतिहास है। पर ओल्ड फ्रेंड नाउ डेट आई कुड गिव अप, ये सब अब छूट जाने चाहिए। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी आज के बाद मुझे नहीं दिखाएंगे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार जो मेरे मन में आ रहा था, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको अब कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मेड मी फॉरगेट अलाउट हिज रूलर, मुझे उनके रूलर जो रूल लिए हुए थे, एक डंडा लेकर चलते थे, उसके विषय में कोई, मैं उन सब चीजों को भूल चुका था। मैं इन सब उस चीजों को क्या हो चुका था, रूलर और तो क्या होता है, क्रैकी माने बदमिजाज, में उनके बुरे बर्ताव और मिजाज और उनके रूलर को भी क्या करता था, भूल चुका था। पुअर मैन, बेचारा आदमी, या कह ले कि बेचारे एम हैमेल, कह ले कि बेचारे एम हैमेल, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, उन्होंने रविवार के दिन पहने जाने वाले सुंदर कपड़े पहने थे। एंड हाउ एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और अब मैं समझ चुका था व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग, कि ये गांव के जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो यहाँ पर क्यों बैठने के लिए आए हैं। मैं अब अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ कि ये बार बार ये गांव के जो लोग हैं, गांव के जो निवासी हैं, ये क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन द बैक ऑफ द रूम, इस कमरे के पीछे या इस कमरे में पीछे की बेंचों पर, इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, ऐसा
इसलिए है कि उन्हें दुख है, उन्हें भी क्या है, बहुत दुख है, एंड दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 इयर्स फेथफुल सर्विस एंड शोइंग द रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज ट्रेन्स नो मोर, दैट वॉज ट्रेन्स नो मोर, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ये उनका धन्यवाद करने का तरीका था, अवर मास्टर हमारे गुरु के लिए, फॉर इज 40 इयर्स, कि उन्होंने 40 सालों से आप फेथफुल सर्विस, वफादारी से अपनी सर्विस को निभाया है, एंड शोविंग देयर रेस्पेक्ट, और उनके उनके प्रति सम्मान दिखाने का भी ये तरीका है, फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, और सेवा के लिए धन्यवाद देने का, जो देश अब उनका नहीं रहा, उस देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का उनका ये अंतिम तरीका या अपना अलग तरीका था। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ दिस, जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, जब मैं इन सब बातों के विषय में क्या कर रहा था, सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया, मैंने अपना नाम सुना कि कोई उसे पुकार रहा है, बुला रहा है, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बोलने की, रिसाइट माने बोलने की, टर्न माने बारी, अब मेरी बोलने की बारी थी, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेथफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थॉट, अर्थात मैं अब पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के पढ़ने के इच्छुक था, क्या था कि एबल टू बी से द ड्रेडफुल रूल, ड्रेडफुल माने बेकार के जो नियम है, फॉर द पार्टिसिपल ऑल थॉट, ये सभी विचार वेरी लाउड एंड क्लियर मुझे अब बहुत ही तेज आवाज में और स्पष्ट पढ़ना है, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट, लेकिन मैं पहले शब्द में ही उलझ गया, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले शब्दों में ही उलझ गया, एंड स्टूड देयर होल्डिंग टू माई डेस्क, और अपनी बेंच को पकड़ कर खड़ा हो गया, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू टुक अप, मेरा हृदय धड़क रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था, और मुझ में ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी, मेरा जो हृदय था, वो मेरा जो दिल था, वो क्या था, वो धड़क रहा था, वो धड़क रहा था, और अब मुझ में ऊपर क्या लिखा हुआ है कि माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं साहस नहीं कर पा रहा था, डेयर मीन्स क्या होता है, साहस करना, तो आई एंड आई नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था, मैं ऊपर देखने का क्या था, साहस नहीं कर पा रहा था। तो सभी बच्चे इस लेक्चर को अटेंड कर चुके होंगे, और जो आपके साथी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी बता दें कि आपकी जो लाइव क्लास है वो 11:30 to 12 PM चलती है, ठीक है, 11:30 से 12 या 11:40 to 12:10, ठीक है, फिलहाल आपको 11:30 बजे तक लिंक अवश्य प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इस लेसन को पढ़ें, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं आपके इस लेसन पर ही बेस्ड होंगे, एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, इस पर ही क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, और जब आप इस लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी एमसीक्यू के आंसर दे पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड वियर योर मास्क प्रॉपरली, दैट्स ऑल, थैंक यू।